ताजमहल को मोहब्बत की मिसाल मानने से भाजपा नेता ने किया इनकार। इतना ही प्यार था तो शाहजहां ने क्यों की मुमताज के मरने के बाद 3 शादियां। बीजेपी नेता रूप ज्योति कुर्मी ने उठाए सवाल। असम से बीजेपी विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने ताजमहल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, ताजमहल कोई प्यार की निशानी नहीं। रूप ज्योति कुर्मी ने कहा, अगर शाहजहां अपनी चौथी पत्नी मुमताज से सच में प्यार करते थे तो उनकी मौत के बाद 3 शादियां क्यों की। बीजेपी विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने कहा, ताजमहल प्यार का प्रतीक नहीं। शाहजहां ने अपनी चौथी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। मुमताज से प्यार करते थे तो मुमताज की याद के बाद 3 बार शादियां क्यों की। इससे पहले भाजपा विधायक ने मंगलवार को ताजमहल और कुतुब मीनार जैसे स्मारकों को गिराने की भी बात की थी। रूप ज्योति कुर्मी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री से ताजमहल और कुतुब मीनार को फौरन ध्वस्त करने का आग्रह करता हूँ। उनकी जगह दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिर बनाने चाहिए। उन्होंने इसके लिए अपने महीनों की तनख्वाह दान करने की भी बात कही। विधायक ने कहा, मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूँ ताजमहल कुतुब मीनार को फौरन ध्वस्त किया जाए। इन दो स्मारकों के स्थान पर दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए। उन दोनों मंदिर की वास्तुकला ऐसी होनी चाहिए कि कोई अन्य स्मारक भी इसके करीब न हो। बीजेपी नेता रूप ज्योति कुर्मी का कहना है, मुगल के विषय को देश से हटाना। एक मुगल राजा जहांगीर ने 20 बार शादी की। ताजमहल जिसे प्रेम की निशानी कहा जाता, मुमताज महल भी कहा जाता, इसे शाहजहां ने अपनी चौथी पत्नी के लिए बनवाया। अगर सच में ताजमहल प्रेम की निशानी है तो मुमताज के गुजरने के बाद शाहजहां ने 3 और शादियां क्यों की। फिर इसमें प्रेम की कोई बात ही नहीं रही। उन्होंने कहा, मुगल भारत में 1526 में आया और ताजमहल 1632 में बना। अगर वे लोग वापस नहीं गए तो मुगलों को ताजमहल बनवाने के लिए पैसा कहां से मिला। स्वाभाविक है, देश के जो हिंदू राजा थे, हिंदू लोग थे, उनसे ही पैसा लूट कर मारपीट कर डकैती कर ताजमहल को बनवाया गया। रूप ज्योति कुर्मी 4 बार विधायक रहे। उन्हें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के कट्टर आलोचक के तौर पर भी जाना जाता है। उन्होंने 2021 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली थी।